We are going to IKEA. इसको थीम ब्राउन चाहिए. शी? Hi guys, I'm Kajal and welcome back to my channel. आज मैं जा रही हूँ IKEA. यार विक्की. आज मैं जा रही हूँ IKEA विक्की एंड भाविया के साथ. So here's Vicky. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में आपने देखा होगा कि वो लोग ये बोलती है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सामान कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो बस वही मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे को भी स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. और भाविका तो इसलिए आई है यहाँ पे क्योंकि उसको IKEA का खाना खाना है. Am I right? और देखना भी आई. बट मेन क्या है, देखो IKEA का खाना खाना है. देखो ये ऐसे होते हैं लोग. मैं ऐसे नहीं कि मेरे को इसका हेल्प चाहिए इसलिए बुला रही हूँ. मैं इसका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, ये बोर हो रहा था इसलिए मैं इसको लेकर जा रही हूँ. गप खोटाड़ा. एनीवे बिफोर IKEA वी आर एट मैकडोनल्ड्स और विकी को भूख लगी तो विकी खा रहा है यहाँ से. मैं नहीं कुछ खा रही, मुझे तो IKEA में जाके खाना है. ये झूठी. अरे नगेट्स खाने वाली, वो नगेट्स क्या इतना सा रहता है उसमें, क्या पेट भरता है. उधर भी जाके खा रही. एंड यार स्टोरेज प्रॉब्लम चालू है मेरा. स्टोरेज के लिए मैं कुछ देखना चाहती हूँ. मैं मेरे माइंड में है मुझे क्या चाहिए, बट दो चीज़ें हैं तो मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ. तो अभी IKEA जाके देखते क्या क्या लेंगे. बंदर केला खाते हुए दिख गया मुझे. ये IKEA के पार्किंग में इनका ये चल रहा है. विक्की एक्चुअली अपनी स्टाइल चेंज कर रहा है. आई मीन मैं उसकी स्टाइल चेंज करा रही हूँ. तो ये विक्की के जो इतने मस्त बाल बढ़ गए ना यहाँ पे, मैं भी छोटी बांधने वाली हूँ. मैं दिखाती हूँ. पर इसको बहुत पसंद है जो मैं छोटी बांधती हूँ, है ना विक्की? और ये मेरी विक्की की छोटी. अच्छा लग रहा है विकी. थैंक यू तो बोल माला. थैंक यू. मेरे में ना ये आदत है क्योंकि मैं एयर होस्टेस थी, मेरे को कोई थैंक यू भी बोलता तो भी मैं उसको थैंक यू ही बोलती हूँ. क्योंकि मुझे थैंक यू बोलने की आदत थी तो मुझे कोई थैंक यू बोलता है तो मुझे वेलकम की जगह, मतलब मुझे आंसर ही नहीं आता क्या बोलना चाहिए. मैं ही सबको थैंक यू बोलती रहती हूँ. ये घर हमको पसंद आ गया. ये लोग इधर चिल करते बैठ गए. विकी को भी देख लो. विकी के तो आउटफिट यार मैच भी हो रहा है. ग्रीन ग्रीन. आर यू सीरियस विकी? पागल है क्या तू? झूठ ले ना. ओ बाय द वे हाय, इसका बर्थडे मंथ है. इसको थीम ब्राउन चाहिए. शी ब्राउन कलर बिल्कुल पसंद नहीं है. तेरे बालों से मैच भी करेगा ब्राउन. आज के मुंह में पानी आ रहा है. हां यार ये देख के राजा. मेरे को ये वाला ड्रॉअर लेने को मन कर रहा है. बस मुझे इसका एक ही ड्रॉबैक लगता है कि ये ओपन है तो डस्ट ईजिली जाएगा. बट इसमें जो स्पेसिंग है मुझे बहुत अच्छा लगा. नीचे से बड़े ड्रॉवर है फिर ऊपर थोड़े छोटे हैं, वो भी अच्छा चीज़ लगा मुझे. और अब जो मुझे दूसरा वाला पसंद है मैं वो वाला दिखाती हूँ. दूसरा मुझे ये वाला अच्छा लगा. इसमें भी सेम छोटा फिर बड़ा बड़ा ड्रॉवर्स. और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसमें ये लगा कि यहाँ पे मिरर है. यहाँ पे भी मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख सकती हूँ. बट इसका स्पेसिंग मुझे अच्छा नहीं लगा. मतलब इतनों से मैं क्या ही रख पाऊँगी मैं. तो वो बस ऐसे ही बड़ा है पर स्पेस में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. और ये बड़े हैं लेकिन मुझे इसे लेंथ में इतने भी बड़े नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो सामान रहेगा एनी वे इतना इतना रहेगा. तो ये स्पेस एनी वे वेस्ट होएगा. सो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ कौन सा ला लूँ. बट आई थिंक आई विल गो विद द अदर वन. देखते भाविका से पूछती हूँ क्या करना चाहिए. हम यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं आए हैं, हम यहाँ खाना खाने आए हैं. इतना खाना कौन खाएगा? हम सब सब वैसे तो बहुत भुक्कड़ लोग हैं, खा लेंगे. ये वाला जो IKEA का सेक्शन है मुझे थोड़ा सा स्केरी भी लगता है. मतलब देखो कितनी सी है भाभी का, वो कितना बड़ा है. दस भाभी खड़े रहेंगे तब ये होगा. बीस भाभी का. हाँ मेरे को इसको परेशान करने में बहुत मजा आता है. जा जाता है ये तो हमारा. चल आने
टैंज आई सी यू. अरे अरे कैसे दिखेंगे हम, नहीं दिखेंगे अभी. देखिए हां दोनों डापने हैं, दोनों चश्मीश. बाय डॉन. क्या कर रही है? बाय चैंप की सिस्टर. बाय. अरे मैं उसकी मम्मी, गर्लफ्रेंड, सिस्टर सब हूं. बाय चैंप की फेवरेट. ओ माय गॉड, वो तो मैं हूं. 16th को तू नहीं है ना यहां पे? क्या है 16th को? कोई नहीं है, मेरे को भी काम है. तू है क्या 16th को? मेरे को तो बहुत काम है 16 तारीख को. आइकिया में इतनी सारी शॉपिंग की, और एक्चुअली सच्ची में शॉपिंग किया मैंने. पीछे सब सामान है हमारा. हाँ, और हमने टेबल एलेक्स वाला टेबल लिया, क्योंकि दूसरे वाले में बताया मैंने स्टोरेज का इशू, और बस वो मिरर वाला एक प्लस पॉइंट था. एंड एलेक्स में मेरे को पता है वो ओपन रहेगा, थोड़ा धूल जाएगा उसमें तो, बट उसी बहाने में उसको मैं बार बार साफ भी करूँगी. तो एलेक्स ले लिया हमने, वो वाला नहीं लिया. मिरर है वैसे भी घर में. और टॉकिंग अबाउट द फूड, आइकिया का फूड कितना हाइप्ड है. सब फूड ब्लॉगर वहाँ पे जा जाके खाते हैं. हमने, मतलब मैं तो पहले भी आई हूँ, बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम वेज ही ट्राई किया है. आज मैंने फर्स्ट टाइम नॉन वेज वाला ट्राई किया, एंड आई फेल्ट फूड इज़ गुड. सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि वो सुपर अफोर्डेबल है, हाइजीनिक भी लग रहा था, क्वालिटी भी अच्छी है, बट इतना भी वाव नहीं कि उसको 10/10 दे. मैं 10 में से शायद 7 या 6.5 इतना मार्क्स दे सकती हूँ. क्योंकि तू आइकिया के खाने को कितना रेट करेगा? मैं तो खाना खाता ही नहीं हूँ. खाना खाता ही नहीं क्या? थोड़ा टेस्ट तो किया ना तू? ठीक है. 10 में से कितने? क्या उबले हुए आलू, बैंगन, बैगन सब मिलता है वहाँ पे. बता ना, बता ना कितना देगा. 5 भाभी का. यू तेरे जैसे सेम 6.5-7 है ना. पर तू इतना ऑरेंज बन के क्यों आई आज? ऑरेंज आज महाराष्ट्र दिवस है. भाभी का और मैंने डिसाइड किया था कि ये जो ड्रॉर है अब घर पे आके करेंगे, बट फिर सोचा नहीं नेक्स्ट डे करेंगे, अभी थक चुके हैं इतना चल चल के. बट नहीं रहा गया, हम घर पे आके उसको खोल वोल दे दिया, बट काम पे लगा दिया डैडी को. थैंक यू पापा, पानी पिला दीजिए. सारा बज चुके हैं और हमारा ड्रॉअर बना के अब तक नहीं हुआ. आई थिंक 1 घंटा तो भी हुआ ना हम लोग ये कर रहे हैं. एंड हमारी बिल्डिंग में ऐसे रात को काम करना, मतलब ठक ठुक ठक ठुक वाला काम अलाउड नहीं है. और अभी हम थक भी गए हैं तो हम लोग अभी इधर ही स्टॉप कर रहे हैं. कल सुबह उठ के ये लोग बोल रहे हैं, नीचे वाले अंकल ने अगर देख ली तेरी वीडियो, उनको पता चल गया रात के 11 बजे कर रही थी तो सॉरी अंकल अगर आप देख रहे हो तो. और ये हमारा ड्रॉअर जो है इतना बन चुका है, जैसे मतलब ये जो बाहर का बेस है वो बन गया है, सिर्फ अंदर का भी ड्रॉअर्स बनाना है. इसने कुछ हेल्प नहीं की है, ये अभी बस से थोड़ा सा देखने उठने के लिए आई. बस मेरे पापा ने सब किया है, सबसे ज़्यादा हेल्प तो मेरी मम्मी ने की है. ये देखो बीच में नहीं आके शांति मेंटेन करके. फाइनली हमारा ड्रॉअर बन के हो गया है. लेट मी शो यू ऑल. अरे ये मेरा बन चुका है ड्रॉअर, बस इसमें अभी सामान भरना बाकी है. एंड आई होप आप लोगों ने मेरा ये ब्लॉग एंजॉय किया. अगर किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो. बाय बाय.